How are you all? Hope you all are doing very well. आइए प्रधारिये और मेरे चैनल में रंजिता क्या लिखी है आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ मैं। आइए मेरे घर के मुख्य द्वार से ही मेरे घर में प्रवेश करें और आइए मेरे घर में पधारते ही लड्डू गोपाल के दर्शन कीजिए। लड्डू गोपाल मेरे घर के मुख्य द्वार के सामने ही विराजमान रहते हैं क्योंकि भगवान जी को मैंने घर के मेन एंट्रेंस के बिल्कुल सामने ही विराजमान किया है। तो जितने भी लड्डू गोपाल के भक्त हैं मेरे ख्याल से सभी होंगे जो हिंदू धर्म के हैं और लड्डू गोपाल को देखना जो लोग चाह रहे थे तो उनके लिए मैं लड्डू गोपाल के दर्शन करवा रही हूँ। तो मेरे लड्डू गोपाल अभी कॉटन के कपड़े में हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पर 40 प्लस चल रहा है हर रोज़, तो इसलिए मैंने कॉटन के कपड़े इनको पहना के रखा है। और कुछ देर पहले इन्होंने भोजन की है तो अभी शाम का भोजन जो है मैं करवाऊँगी बहुत जल्दी। इनको मैं 4 टाइम का भोजन करवाती हूँ और सभी दर्शनार्थियों को मेरी तरफ से जय श्री कृष्ण और राधे राधे। और आइए मेरे गार्डन में और बाहर का वेदर आज पूरा एकदम शाम के वक्त ना बहुत अच्छा है। पूरे दिन बहुत ज़्यादा गर्मी रही लेकिन अभी पूरा स्काई जो है येलोइश बन चुका है और इतना अच्छा लग रहा है। लेकिन एक अजूबा मेरे गार्डन में मैं दिखाने वाली हूँ जो हो चुका है। अभी इस गर्मी में विंटर के पिटूनियास का खिलना, क्या ये स्वाभाविक है? आप लोगों का खिलता है विंटर के पिटूनियास? जो है ये मैक्सिमम अप्रैल लास्ट तक सर्वाइव कर जाते हैं, उसके बाद तो वो बिल्कुल भी डॉर्मेंसी में चले जाते हैं या प्लांट ही आपका डाई हो जाता है। लेकिन मेरे यहाँ अभी भी पिटूनिया फुल ब्लूम में है, मतलब विंटर में जैसे प्लांट ही नहीं दिखता था सिर्फ फ्लावर्स दिखते थे वैसा नहीं, अभी लीव्स दिखते हैं लेकिन फ्लावरिंग हो रही है स्टिल नाउ। तो ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, देखिए किस तरह से मैंने पिटूनिया को अभी तक जिंदा रखा है एंड फ्लावरिंग कंडीशन के साथ पिटूनिया इज स्माइलिंग एट यू गाइस। देखिए ये देखिए गाइस इस तरह के पॉट में है मेरा पिटूनिया एंड स्टिल अभी मिड ऑफ मे होने वाला है, हो चुका है। आज कितने डेट है? 19। आज 19th ऑफ मे हो गया। 18 या 19। अभी भी पिटूनियास कितनी अच्छी तरह से मेरे यहाँ ब्लूमिंग कंडीशन में है, खिल रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, खिलखिला रहे हैं और इनको देख के कितना अच्छा भी लग रहा है। एक और भी प्लांट है एक्चुअली ना, इसको रखने का जो तरीका है रखरखाव है वो इस तरह से है कि ये जितने भी बाहर की तरफ लटक जाएंगे समर में तो इसको आपको इमीडिएटली कटिंग करना है, इसकी प्रूनिंग करनी है टाइम टू टाइम और डीकम्पोज गोबर की खाद यानी डीकम्पोज काउडंग का प्रयोग करना है। और ये चाहे फुल सन में हो या शेमी सेड में हो दैट डजंट मैटर एट ऑल, बट इसकी प्रूनिंग और सही वाटरिंग बहुत ज़रूरी है। मतलब बहुत ज़्यादा वाटरिंग नहीं होनी चाहिए, रेनफॉल से इसको बचाना है, रेन का वाटर बिल्कुल भी हार्मफुल है पिटूनियास के लिए। और इसमें खाद जो आप डालेंगे तो वर्मी कंपोस्ट से भी ज़्यादा डिकम्पोस्ट गोबर की खाद जो है काउडंग उसको डालिए। और इसको फुल सन में भी आप रख सकते हैं बट प्रूनिंग इसको टाइम टू टाइम सही तरीके से करना है, देन विंटर का पिटूनिया भी आपके गार्डन में समर में भी खिला हुआ रहेगा। और मेरा प्लान है इसको होल ईयर रखने का। अगर आप लोग इसी तरह मेरे चैनल के साथ बने रहेंगे तो शायद आप लोगों की दुआओं से मैं इसको होल ईयर इस तरह से खिलखिलाते हुए मुस्कुराते हुए रख सकूंगी। फ्रेंड्स, आप लोगों ने काफ़ी दिनों से मुझसे पूछा था कि मेरे चैनल में इलेक्ट्रिकल सोफिसेस या इलेक्ट्रिकल कोई वीडियो क्यों नहीं आ रही है, तो इसका रीज़न यही था कि इलेक्ट्रिकल वीडियो बनाते हैं सुमन जी और सुमन जी को इतना सुअवसर नहीं मिल रहा था, काम से फुर्सत नहीं मिल रहा था, बहुत ज़्यादा मशरूफ रह रहे थे काम में, इसलिए इलेक्ट्रिकल वीडियो मैं पोस्ट ही नहीं कर पा रही थी। अभी लॉकडाउन की वजह से थोड़ा बहुत सुमन जी फ्री है तो उनको टाइम मिला और इलेक्ट्रिकल वीडियो एक मैं आज ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। वीडियो किस बारे में है?
कॉलिंग बेल है, डोर बेल है, डोर बेल मैंने बनाया है, तो किस तरह बनाया है आप लोगों को दिखाते हैं। हाँ, क्योंकि अभी तो आपके घर में अगर बाई चांस डोर बेल खराब भी हो गया तो कोई भी इलेक्ट्रिशियन या टेक्नीशियन मिलना भी क्वाइट इम्पॉसिबल है ड्यूरिंग लॉकडाउन। तो जिनको इलेक्ट्रिकल का नॉलेज है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स है या इलेक्ट्रिकल एक्सपर्ट है या इलेक्ट्रिकल की पढ़ाई जिन्होंने की है, तो उनको ज़्यादा मज़ा आएगा, उनको नॉलेज भी मिल जाएगा इससे। और इलेक्ट्रिकल का काम जो लोग जानते हैं वो भी अगर इस वीडियो को देखेंगे तो अपने घर में खराब हुए जो भी कॉलिंग बेल है उसको सही कर सकते हैं। चलिए देखते हैं किस तरह से सुमन जी ने इस कॉलिंग बेल को बनाया है। और ये जो शोर हो रहा है जो बैकग्राउंड में, सारे इनकी शरारत है, शरारती सारे बच्चे शाम के टाइम में चिल्लाते रहते हैं, इनकी वजह से शोर हो रहा है। तो अगर शोर के कारण डिस्टर्ब हुए आप लोग तो एक्सक्यूज मी फॉर दैट। ये तीन कंपोनेंट से हम एक म्यूजिकल कॉलिंग बेल बनाने जा रहा है, तो किस तरह हम म्यूजिकल कॉलिंग बेल को हम बनाते हैं तो आप लोगों को दिखाते हैं। देखिए, एक BC547 ट्रांजिस्टर है, जो लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में काम करते हैं तो उसको अच्छी तरह से पता होगा। ये जो पिन सोल्डरिंग किया, एक कलेक्टर है, मिडिल वाला पिन बेस है और ये इमीटर है, और एक आईसी है जो UM66 आईसी म्यूजिकल आईसी है। इसका फर्स्ट पिन नेगेटिव, सेकंड पिन पॉजिटिव और थर्ड पिन आउटपुट पिन है। तो थर्ड पिन के साथ हम बेस पिन के साथ कनेक्ट करते हैं। ट्रांजिस्टर का जो इमीटर पिन के साथ आईसी का नेगेटिव पिन कनेक्ट करते थे। और आईसी का जो पॉजिटिव पिन है, पॉजिटिव पिन के साथ हम स्पीकर के साथ कनेक्ट कर देते हैं। देखिए हो गए, अभी इसको बैटरी का जो पावर सप्लाई है, पावर सप्लाई को कनेक्ट कर देते हैं। ये पॉजिटिव के साथ हम कनेक्ट कर देते हैं, और ये जो नेगेटिव है, नेगेटिव के साथ हम नेगेटिव को कनेक्ट कर देते हैं। देखिए हो गया सर्किट कंप्लीट, तो इसको हम चालू करके देखते हैं। ओनली 4 वोल्ट पे ये चलेगा। गाइस, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करना, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करना आपकी अपनी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन शेयर जरूर करना, और अच्छा लगा तो ही लाइक करना। तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए हमेशा अपने हॉबीज के साथ।